स्टार भारत पर आ रहे सीरियल मुस्कान की ईशा रुघानी जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। जो मुस्कान सीरियल है उसने 400 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, तो जानते हैं ईशा जी ये बताइए कि 400 जो सीरियल हैं वो पूरे कर लिए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये कहूँगी कि बहुत ही खुशी का अवसर है हमारे लिए, हमें मौका मिला आपको 400 दिनों तक आपको एंटरटेन करने का, तो ये इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी और हमारा सौभाग्य है कि हम ये मौका पा सके। सर जी ये बताइए कि आपने जब डेब्यू किया था जीत पायो के सीरियल से और मुस्कान तक, अब तक क्या उतार चढ़ाव आपके इस पीजेट में आएगी? मैं यही कहूँगी हमारी लाइफ में कैसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ये जो मेरा एक्टिंग का जर्नी रहा है उसमें बहुत काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। मैं हिंदी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होने से मतलब मैं पहले नहीं थी, अब हूँ, काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। आई थिंक एवरी डे कुछ नया सीखने को मिलता है और जब आप कुछ सीखते हो तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो इट्स बीन अ ग्राफ जर्नी, जब मैं हर दिन कॉन्फिडेंट होती गई हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मुस्कान में जिस तरीके का आपका रोल है उसमें बहुत ही दबी हुई आप नज़र आती हैं, अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखती हैं और जीवन में आप रियल लाइफ में जो है उसमें और इसमें कैसे एडजस्ट करते हैं? जब भी आप कोई किरदार निभाते हो तो आपको उसके शूज़ में स्टेप करना पड़ता है, तो मुस्कान ऐसी ऐसी कैरेक्टर है जो बहुत बबली नहीं है पर मैं थोड़ी हूँ, तो डेफिनेटली हमें बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ता है। जब हम मुस्कान बनती हूँ तो मैं मुस्कान की तरह ही बिहेव करूँगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था पहले पर अब आदत हो गई है। आपके साथ रौनक जी काम कर रहे हैं, साथ में दोनों लोग बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, 400 एपिसोड पूरा कर लिया है मुस्कान ने, तो कैसा उनका जो है आपके साथ जो है सहयोग रहता है? बहुत योगदान है मुझे एंकरेज करने में, आई थिंक, और एक पॉजिटिविटी, एक वाइब होती है ना, तो उनके साथ एक ऐसी सी वाइब, गुड वाइब्स आती है कि मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। तो नॉट ओनली शरद बट हर एक कोस्टार जो है हमारा, लकीली बहुत सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं और बहुत अच्छी वाइब आती है एक दूसरे में से, तो बहुत अच्छा माहौल है। ये सीरियल ऐसा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है एक संदेश देने का काम करता है, इस पे क्या कहेंगी? यही कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं हम और ये लोगों तक पहुंच रहा है और इस माध्यम से पहुंच रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मैं ये पूरी जर्नी का एक हिस्सा हूँ, कि मैं एक सोशल मैसेज को पास ऑन कर रही हूँ एक माध्यम से। मुस्कान आगे की स्टोरी क्या है, कुछ कैसे जो है उसको और पॉपुलर और दर्शकों के दिलों में जो है अपनी आप जगह बनाए, उसके लिए क्या प्रयास? मैं यही कहूँगी कि आगे की जर्नी भी आज तक की जो जर्नी आई है वैसी ही इंटरेस्टिंग होगी, पर आप देखेंगे रौनक और मुस्कान का जो एक पति पत्नी का बॉन्ड है वो कैसे आगे बढ़ता है। आप लखनऊ में आई हैं तो लखनऊ कैसा शहर लगा? आप गुजरात से हैं तो लखनऊ कैसा शहर लगा आपको? बहुत अपनापन लगा, बहुत प्यार मिला, लोगों की मुस्कुराहट देखने मिली और आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत मुझे मानसून बहुत पसंद है, आज बारिश हो रही है, तो आई थिंक अभी तक तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है मेरा यहाँ। धन्यवाद टीवी इंडिया लाइव से बात करें। तो ये थी हमारे साथ जो है ईशा रुघानी, जिनका साफ ये कहना था कि मुस्कान जो सीरियल है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो एक सशक्तिकरण संदेश देने का काम करता है। कैमरामैन विशाल के साथ मैं रामबाबू, टीवी इंडिया लाइव लखनऊ।